काफी समय पुरानी बात है, सुमेरु नाम के एक गांव में वहां पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था चेतन। चेतन 10 साल का था सिर्फ, लेकिन उसकी बुद्धिमता के चर्चे दूर दूर थे। बड़ा ही बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमता और तर्क कुछ इस प्रकार से थे कि 50 साल के व्यक्ति के बराबर आप समझ लीजिए। इतना बुद्धिमान था, इतनी समझदारी की बातें करता था। समय बीतता गया, काफी बड़े सपने थे चेतन के कि भाई अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य को पाऊंगा और बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, अच्छी सफलता पाऊंगा। सुनने का बहुत शौक रखता था, जहां से भी ज्ञान मिल रहा हो उसे बटोरता और उसमें उसको अपने जीवन में लागू करने की पूरी कोशिश करता था। इसलिए कहते हैं ना कि सुनने से इंसान बुद्धिमान होता है। तो बस इसी तरह जो है समय बीतता गया। समय आया, अब जो चेतन है उसकी उम्र हो गई थी 16 साल। 10 वर्ष तक 11, 12, 13, 14, 15 बस चलते रहा। 16 वर्ष की आयु में जब वो आया तब उसने पाया कि जीवन में कुछ बदलाव सा हो रहा है, शारीरिक रूप से बदलाव हुए हैं। ऐसे ऐसे बदलाव उसे होने लगे, वो थोड़ा सा परेशान होने लगा। जिन लड़कियों से वो पहले बात करना तक पसंद नहीं करता था, आज उन लड़कियों को देखकर ये अट्रैक्ट होने लगा, यानी कि इसे इंटरेस्ट आने लगा उनके अंदर। अब वो बार बार उन्हें देखता और जानने की कोशिश करता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। और ये बदलाव आप में और हम में भी आए हैं, हमने भी उस चीज को अनुभव किया है। एक अजीब सा लगना, कुछ समझ में ना आना, किसी से वो बात को शेयर ना कर पाना कि मैं किस मुंह से और किस तरीके से उसको शेयर करूं किसी के साथ में। तो ऐसे ही चलता रहा। इसके जो मित्र थे चेतन के, इनकी गर्लफ्रेंड्स थी, वहां प्रेमिकाएं थी, तो इसके मन में भी विचार आया क्यों ना मैं भी एक प्रेमिका बना लूं। लेकिन इसने कहीं सुन रखा था कि बुद्धिमानों की, विद्वानों की कोई प्रेमिका या गर्लफ्रेंड्स नहीं होती हैं। तो ये अपने मन को मार रहा था एक प्रकार से, कि ऊपर से दिखा रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर ये बिल्कुल चाह रहा था कि मुझे ये सब चाहिए, ये सब मुझे मिलना चाहिए। अब ये परेशान होने लगा। धीरे धीरे इसने पाया कि बहुत भारीपन सा नीचे की ओर मुझे लग रहा है, और मतलब बार बार छेड़खानी करने की वो कोशिश कर रहा था। समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं, बार बार वो छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, कुछ करना चाहता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचता है कि माँ बाप से बोलूं, माँ बाप से बोलने में शर्म आ रही है, माँ बाप उसको समझेंगे नहीं समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे शेयर करूं। वो अपने दोस्तों से शेयर करता है जिनके पास गर्लफ्रेंड्स हैं, वो उनसे ये अपनी बातें शेयर करता है, बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं, शायद आपके साथ और हमारे साथ भी यही हुआ, उन्होंने ये सलाह दी कि तू हस्तमैथुन कर। अब वो इन सब चीजों में जो है पूरी तरीके से लगने की कोशिश करने लगा कि ये चीज है क्या, क्या ये इससे मुझे कुछ खुशी मिलेगी। अब फ्रेंड्स ने तो भाई कह दिया कि तू करके तो देख, एक बार करेगा तुझे इतना मजा आएगा तो इसको कभी छोड़ नहीं पाएगा। बस ये बात दिमाग में जो बैठी, इसने शुरुआत कर दी। अब शुरुआत करी, एक बार करी, सोचा इसको कि ये मैंने क्या किया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, इसको मन को भा गया कि इससे मुझे एक आराम मिला, यानी कि मैं बहुत स्ट्रेस फ्री बिल्कुल इससे महसूस कर रहा हूं अपने आप को, नया नया एक्सपीरियंस था। इसने सोचा जब एक बार करने में इतना आराम मिला है, क्यों ना इसको बढ़ा दिया जाए। दिन में 2-2 बार करना शुरू कर दिया। धीरे 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 ये लत 5, 6, 7, 8 महीनों में बढ़ती गई। साल भर बीतने पर आया, अब इसने पाया कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ जिससे ये अब कमजोर रहने लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही बुद्धिमान लड़का था, हर काम में होशियार, बिल्कुल सोचने की क्षमता भी इसकी जबरदस्त थी, पढ़ाई में भी अव्वल था, लेकिन अब थोड़ी गड़बड़ होने लगी थी। इसका ध्यान अब पूरी तरीके से दूसरे जेंडर लिंग के प्रति हो गया था। अब बस यही इसके दिमाग में चलता, बहुत कमजोरी इसको फील होती है। किसी से पूछता है कि मुझे बहुत कमजोरी फील होती है, तो वो सामने वाला भी पूछता है इससे कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो ये बोल देता है बस कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई, घर का काम, बस झूठ बोलता है थोड़ा सा। फिर भी सामने वाला ने दबाव दिया कि सही सही बताओ तुम कर क्या रहे हो। तो इसने बताया कि मैं हस्तमैथुन कर रहा हूं दिन में 2-2 बार। तो फिर सामने वाले ने उन्हें समझाया कि ये इस तरीके से तुम अपना जीवन जो है बेकार कर रहे हो, इससे कमजोरी आना तय है, इसलिए आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब ये सोचता है ब्रह्मचर्य के बारे में इसको कोई इतनी विस्तार से नहीं बताता, बस इतना बता देता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने वीर को रूपांतरित करो, वीर जो है उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो। ये कोशिश करता है, एक दिन करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है, 4 दिन करता है,
लेकिन ये पाता है कि पहले जितने गंदे विचार नहीं आ रहे थे जब मैं हस्ते मैथुन कर रहा था, उससे ज्यादा गंदे विचार, उससे ज्यादा मेरा मन अब और कर रहा है हस्ते मैथुन करने का, जब से मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया। ब्रह्मचर्य सिर्फ ऊपर से धारण कर रखा था, ऊपर से दिखावे के लिए कि मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूं, अंदर से पूरी तरह मलिनता, वही गंदे विचार, शरीर को देख के लड़की के गंदे विचार आना, तरह तरह के वो काल्पनिक कहानियां बुनना, बस वही वही चलता रहा। हुआ ये कि 5-6 दिन बाद ब्रह्मचर्य टूट गया, जितना भी वीर था उसी दिन 3-3 बार हस्त मैथुन करके उसने सब कुछ निकाल दिया। अब इसको दिखने लगा कि मुझे अब मेरा जो भविष्य है वो खतरे में दिख रहा है, अब मैं नर्क में आ चुका हूं। अब इसका ज्ञान से कोई वास्ता नहीं रह गया था, इसको कोई भी मतलब अब ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रह गया था जिसको ये पा सके। सपने थे कुछ करने के लेकिन अब टूट चुका था, आत्मविश्वास पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इतने में क्या होता है कि जब इसको कानों में खबर पड़ती है कि यहां पर दूरी पर एक कोई महात्मा आए हुए हैं, तो काफी लोगों की उनने समस्याओं का समाधान किया है, तो इसको लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। ये चुपचाप बिना किसी को बताए वहां जाता है महात्मा के पास, वहां पर जाता है और सारी समस्या अपनी बताता है, बिल्कुल निडर होकर बताता है कि मुझे ऐसी ऐसी बात है। महात्मा जी कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी एज अभी क्या है? इसने कहा कि मैं 17 साल का हूं। 17 साल का है, इतनी कोई ज्यादा तुम्हारी उम्र नहीं, बस शरीर में एक बदलाव आया, तुम एक गलत राह पर चले गए। इससे पहले तुम्हारे आचरण कैसा था? ये बताता है कि पहले तो मैं बहुत ही बुद्धिमान हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा हष्ट पुष्ट था, चेहरे पे एक अलग ही चमक हुआ करती थी और मेरी दूर दूर तक मेरे चर्चे हुआ करते थे। पढ़ाई में अब तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल धड़कन का हो चुका हूं, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने उसे समझाया, जब बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करो, है तो वो अभी भी बच्चा ही, लेकिन उस समय को याद करो जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे लड़का खड़ी रहे चाहे लड़की खड़ी रहे, कोई भी, सबको तुम सामान्य रूप से ही देखते थे, तुम्हारे मन में कोई वासना नहीं थी। उसी एक काल्पनिक करके देखो अपने आप को, कि उसी समय में जाके देखो, उस समय तुम जो करते थे वो अभी करने की कोशिश करो। रोज अपने आप को 1 घंटा दो, जरा बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, रोज अपने आप को 1 घंटा दो, महात्मा ने उससे कहा। तो उसने कहा मैं 1 घंटे में क्या करूं? 1 घंटे में अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करो, अध्यात्म से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, तुम अपने मन को कहीं और दूसरी जगह लगाने की कोशिश करो। तो ये कोशिश करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर भी ये कहता है कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, बार बार विचार आ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा अड़िग रहो, पूरी तरीके से लगे रहो अपने लक्ष्य की ओर, वो बुराइयां जो तुम्हारे अंदर हैं वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, वो तुम्हें अच्छाइयों की ओर बढ़ने नहीं देगी, वो बार बार प्रयत्न करेगी तुम्हें गिराने का, लेकिन तुम्हें गिरना नहीं, हार नहीं मानना है, तुम्हें बस जबरदस्ती सही अपने मन को कहना है कि नहीं मैं वो सब नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, अध्यात्म से जुड़ूंगा, रोज 1 घंटा ध्यान करूंगा, उसी के बीच बुक्स पढ़ूंगा, रोज सिर्फ 1 घंटा अपने आप को देना है। देखो मेरे भाई, अगर आप रोज 1 घंटा भी अपने आप को नहीं देते हो ना, तो फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कैसे कर पाओगे? मेरी बात को समझ रहे हो? दिन रात हमारे दिमाग में बस दूसरों के विचार, अमका डिमका फलाना ये वो, क्या चल रहा है क्या नहीं, अपने लिए टाइम कहाँ है? आप ब्रह्मचर्य सिर्फ ऊपर से कर रहे हो क्या? मेरे भाई अंदर से स्वतः ही ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा आपको, रोज आपको अपने लिए समय देना होगा, ध्यान करना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा। ऐसे चेतन ने भी किया, महीना भर किया तो इसने पाया कि इसका कहीं ना कहीं मन पर अब काबू होने लगा है। ठीक है, पहले जो ये काम ऐसे ही बिना सोचे समझे बिना फोकस के कर देता था, अब हर काम को ये फोकस से करने लगा, क्योंकि उस 1 घंटे को ये धीरे धीरे बढ़ाता चला गया, काम पर ध्यान देने लगा धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि विचार नहीं आते थे, वासना के आते थे, लेकिन ये सोचता था कि क्या रखा है उन सब में, मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान लगाता गया, आगे बढ़ता गया, इसके जीवन में सुधार आता गया। 3 महीने के अंदर इसने अपने आप को बदल के रख दिया, जैसा ये पहले भी नहीं था उससे लाख गुना बेहतर ये अब हो चुका था। सारे दोस्तों के सामने इसकी अलग ही मतलब एक छवि थी, वो भी सोचते थे कि यार क्या बात है इसमें, उसकी जो उसके दोस्तों की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी चेतन से अट्रैक्ट होने लगी, तो कुछ इस प्रकार का इसके साथ चमत्कार होने लगा। लेकिन अब चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सब से, चेतन बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान था उसका, अपने आप को बेहतर बनाने की ओर था। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे मेरे भाई, ये तो जीवन का एक समझ लो एक नियम है, उतार चढ़ाव भी नियम है, बस समझ लो, हार नहीं मानना है, बस गिरे हो फिर उठो, हार मत मानो, ब्रह्मचर्य का पालन मजबूती के साथ करो।
हार नहीं मानना। जय ब्रह्मचर्य।